बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बोनस लूचे के वाले से बात करें, एक नया डिक्रेटो आया, उसमें थोड़ी सी अपडेट की गई है। ये मारियो द्रागी साहब ने जो है वो पास किया है। तो बोनस लूचे के वाले से हम बात करेंगे, जिन पे बिजली के बिल जो हैं जिन लोगों के पास, उसके पास मरात दी गई है इटली में रहने वाले लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका ईजे 8265 यूरो था, उनको ये लूचे बोनस की जो रायत की पहले जो सहूलत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर अब 12,000 यूरो कर दिया है। अगर आपका ईजे 12,000 का भी है तो आपको ये जो बोनस है लूचे का, इससे आप फायदा उठा सकते हैं। ये पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अगले चंद दिनों में ये सेनेट से भी पास हो जाएगा, समझ लें ये पास हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ साथ एक अच्छी एक अपडेट इन्होंने साथ ये भी की है लूचे के बोनस के हवाले से, बिजली के बोनस के हवाले से। जो लोग रेडी तो आरडीसी चिता दिनांजा ले रहे हैं, तो रेडी तो चिता दिनांजा के हवाले से जिन लोगों के रेडी तो चिता दिनांजा जो लोग रहे हैं और जिनका ईजे 12,000 यूरो तक है, तो वो भी इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, उनको भी बिलों पे ये रायत हो जाएगी। अच्छा, इसका बोनस किस तरह मिलेगा आपको और कितने पैसे होंगे वो भी देखते हैं। अगर फैमिली में दो फर्द हैं और इस उनके लिए जो लूचे का बोनस है इसका बिजली का, वो 165 यूरो है। तीन से चार अफराद जो हैं उनके लिए 200 यूरो तक का ये बोनस है, और चार अफराद से ज्यादा वाली जो फैमिली है उनके लिए 235 यूरो का ये बोनस रखा गया है। अच्छा, इसमें मिलने का तरीकाकार भी है कि अगर आपको बिजली का बिल जो हर महीने आ रहा है, तो ये जो आपका बोनस बनता है फैमिली मेंबर के वाले से और ईजे को देखते हुए, तो ये आपको तीन हिस्सों में, वो थोड़ा थोड़ा करके तीन बिलों में आपको रायत दे देंगे। अगर आपको दो महीने के बाद बिल आ रहा है तो ये आपको दो बिलों में आ जाएगा जितना आपका बोनस बनता है। अच्छा, एक और अच्छी चीज इसमें यह भी है कि आपने किसी किस्म का कोई दुमांदा नहीं करना। इसका जो आपका ईजे है उससे रिलेटेड जो आपकी बिजली वाले हैं उन्होंने इसको अटैच कर दिया है, और वो आपका ईजे देखते हैं, उस हवाले से ये बोनस आपके बिल से ऑटोमेटिक जो है वो लेस कर दिया जाता है आपके ईजे को देखते हुए, और इस तरह आपको ये इस रायत जो है वो ऑटोमेटिक मिल जाती है, इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी अपडेट की गई है, अगर किसी का ईजे 12,000 से ज्यादा और 20,000 तक है उनके लिए भी इसमें रायत है। किन लोगों के लिए? अगर आपका ईजे 20,000 है और अगर आपकी फैमिली में एक इनवैलिड पर्सन है जो कारी को आपके है, यानी माजूर शख्स है, तो फिर आप इस लूचे बोनस से फायदा उठा सकते हैं। मुख्तसर करेंगे, इसमें नए डिक्रेटो में जो द्रागी साहब ने यह पास किया है, तो इसमें उन्होंने साथ ये भी एक ऐड कर दिया है कि जो पिछली एक हकूमत ने टीवी का टैक्स लगाया था, टेलीविजन का, आपके बिलों में वो हमेशा आता था, आपने शायद गौर किया या नहीं, इस गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि अगले साल 2023 से वो कभी नहीं आएगा। ठीक है जी, वो खत्म कर दिया जाएगा।